Hi friends, my name is Neelam and welcome to my channel Neelam Vlogs. So आज मैं specially working women के लिए diet plan लेकर आई हूँ। ये diet plan कोई भी follow कर सकता है, but working women को नजर में रखते हुए ये diet plan मैंने बनाया है। I know working girl या women के लिए it is very difficult कि आप घर को भी संभाल रहे हो and office भी देख रहे हो और आपको time नहीं मिलता है कि आप अपनी take care कर सको, but it is very important कि आप अपना ध्यान रखें and अपने ध्यान रखने में आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसको सिंपल करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ जो आपको जरूर करना है अगर आप पतला होना चाहते हैं। तो सबसे पहले वीकेंड पे आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, लिस्ट बना ले क्या क्या खत्म हो रहा है घर पे एंड फ्रिज में वेजिटेबल्स है कि नहीं। मेरे साथ ये बहुत होता है, अगर फ्रिज में वेजिटेबल्स नहीं है तो या तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ क्या बनाऊँ, कुछ अनहेल्दी खा लेती हूँ या फिर कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि स्विगी एंड जोमेटो ने बहुत आसान कर दिया घर बैठे खाना मंगवाना। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप अपने फ्रिज में वेजिटेबल्स जरूर रखें ताकि आप फटाफट बनाकर खा सके। सेकेंड थिंग, आप वीकेंड्स पे कोशिश करें कि सब्जियों को क्लीन करके रखें, लाइक अगर आप मटर लाए हो तो उसको छील कर रखें, पालक मेथी धनिया इस टाइप के वेजिटेबल्स आपको एडवांस में क्लीन करके कंटेनर में रख देने चाहिए। एंड आई डोंट रिकमेंड कि आप सब्जी को चॉप करके रखें, क्योंकि आई पर्सनली फील कि उसके न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है अगर आप कट करके रखते हो। कट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है सब्जी, बट हाँ क्लीन करके आप रख सकते हो। थर्ड थिंग, आपको डब्बे कैरी करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने किसी भी एक्ट्रेस के व्हाट इज इन माय बैग देखा है तो आपको पता होगा उनके बैग में एक चीज कॉमन होती है, सबके बैग में आपको एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स जरूर मिलेगा, क्योंकि जब भी उनको भूख लगती है ट्रैवलिंग में बिजी शेड्यूल में वो ड्राई फ्रूट खाना प्रेफर करते हैं एंड विच इज अ ग्रेट ऑप्शन। तो आपको एक नहीं दो तीन डब्बे कैरी करने अपने साथ, ताकि आप बाहर का खाना अवॉइड करके हेल्दी ईटिंग एंड न्यूट्रिएंट्स रिच खाना खा सके। Now, without wasting any more time, let's quickly get into the video. सुबह उठ के सबसे पहले आपको लेना है लेमन हनी वाटर या जीरा पानी। जीरा पानी आपको तब लेना है जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तब। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है तो लेमन हनी वाटर विल डू द वर्क। जीरा वाटर बनाना बहुत आसान है, आप रात को जीरा भिगोकर रख सकते हो पानी में, सुबह लुकवार्म करके उसको पी सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी हुई है, लिंक आपको यहाँ पर डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड लेमन हनी वाटर भी बहुत सिंपल है बनाना, आपको एक नींबू निचोड़ना है, एक चम्मच शहद डालना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी एंड पी लेना है। ये आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये बेस्ट वे है डिटॉक्स का। सुबह उठते ही एक तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगा, सेकंड थिंग ये आपको डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट की बात करें तो आपको ब्रेकफास्ट एक अच्छा ब्रेकफास्ट करना है जो भी आपके घर पे बना हो। एंड अगर आप जनरली नाश्ता नहीं बनाते हो तो बनाना शुरू कर दे। आसान ऑप्शन अगर मैं आपको नाश्ते के बताऊं तो सूजी का कोई भी नाश्ता सिर्फ 5 मिनट लगता है बनाने में, चाहे वो उत्पम हो उपमा हो अप्पे हो, उसमें बहुत कम टाइम लगता है एंड बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का नाश्ता है। बट अगर आप कुकिंग नहीं करना चाहते हो तो आप कभी भी ब्राउन ब्रेड सैंडविच खा सकते हो एंड मेक श्योर कि आप होल व्हीट ब्रेड ही यूज करें। इसके अलावा हेल्दी ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस में ओट्स आता है, ओट्स इधर आप कुक करके खा सकते हो एंड अगर आपके पास मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं होता तो आप ओवरनाइट ओट्स भी खा सकते हो। ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इन सभी चीजों की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के बाद आप फटाफट ऑफिस भाग जाते हो तो ऑफिस में आपको क्या क्या खाना है मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, अपने साथ एक फ्रूट एंड ग्रीन टी के पाउच कैरी करना ना भूले। तो बेसिकली जो आपको बैग में कैरी करना है वो है ग्रीन टी के पाउचेस, एक फ्रूट डेली एंड ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स। ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स जब खाली हो तब आप उसको रीफिल कर सकते हो। ग्रीन टी के पाउचेस आप एक्स्ट्रा अपने बैग में डाल सकते हो ताकि कहीं पे भी गर्म पानी किया, सैशे को डिप किया एंड ग्रीन टी पी ली। ग्रीन टी आपको स्किप नहीं करनी है मिड मॉर्निंग स्नैक में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्स ऑप्शन है, प्लस ये आपको एनर्जेटिक रखेगा लंच तक। जनरली वर्किंग वुमेन हो या मेन हो, उनकी डाइट में फ्रूट्स नहीं होता है क्योंकि वो मॉर्निंग में जाकर शाम को आते हैं एंड शाम को आते ही फिर वो डिनर का टाइम हो जाता है एंड दे डोंट ईट फ्रूट। एंड फ्रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेट लॉस करना है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। तो मेक श्योर आप एक कोई भी फ्रूट, आप बनाना कैरी कर सकते हो, एप्पल कैरी कर सकते हो, अगर पाइनएप्पल कैरी कर रहे हो तो कट करके, पपाया कैरी कर रहे हो तो कट करके रात को रख सकते हो एंड नेक्स्ट डे आप उसको कैरी कर सकते हो। कोई भी फ्रूट आपको ऑफिस में जरूर कैरी कर। लंच की बात करें तो अगर आप घर से बना के लेके जा रहे हो तो एक रोटी सब्जी डेफिनेटली खा सकते हो विद सैलेड। बट अगर आप मॉर्निंग में ये सब कुकिंग नहीं कर सकते हो तो आप होल व्हीट ब्रेड सैंडविच खा सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपकी कैंटीन में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मॉर्निंग में फटाफट उसको बनाकर लेके जा सकते हो एंड उसको खा सकते हो।
ये काफी फिलिंग होता है, मोर ओवर हेल्दी होता है, मोर ओवर ग्रीन्स भी आपकी डाइट में इंक्लूड हो जाएगी इससे। इफ दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल तो आप एक फुल बॉल ऑफ सैलड खा सकते हो विच इज वेरी हेल्दी, इसके साथ आप दही ले सकते हो टू एड सम प्रोटीन इनटू योर डाइट। नाउ शाम के स्नैक में आपको एक कप ग्रीन टी लेनी है, साथ में आपको खाना है ड्राई फ्रूट्स। क्योंकि आप ऑफिस में हो एंड ज्यादा एक्टिव नहीं हो तो आपको शाम को बहुत ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो आप ब्लोट करोगे एंड वो फैटनेस स्टोर हो जाएगा। इसलिए आपको शाम को सिर्फ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, चाहे वो बादाम हो या फिर वॉलनट्स हो या फिर एक हैंडफुल ऑफ मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो। इसके साथ आपको लेनी है एक कप ग्रीन टी, दैट वे आप दिन में दो बार ग्रीन टी ले रहे हो एंड अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो। क्योंकि हमने शाम को स्नैक्स हल्का फुल्का खाया है तो मेक श्योर कि आप रात को टाइम से डिनर कर ले, वरना अगर आपने डिनर एक्सटेंड किया तो डिनर से पहले ही आपको बहुत भूख लग जाएगी एंड उस टाइम पे आप पूरी डाइट को स्पॉइल कर दोगे। वो टाइम बहुत ही क्रूशियल है जब आपको ध्यान रखना है कि आप अनहेल्दी ईटिंग ना खाएं, क्योंकि एक तो रात को डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, सेकंड उस टाइम हमको बहुत भूख लग जाती है तो हम नहीं सोचते ज्यादा कुछ खाने से पहले, बट उस टाइम आपको मेक श्योर करना है कि आप हेल्दी खाएं। अभी डिनर में मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप सैलेड खाकर सो, क्योंकि आई नो रात को आप चाहते हो कि आप कुछ अच्छा नरिश्ड खाना खाएं, तो डिनर में आप खा सकते हो एक या दो फुल्का अकॉर्डिंग टू योर विश विद लॉट्स ऑफ सब्जी या फिर बिग बॉल ऑफ दाल, जिसके साथ आप सैलेड ले सकते हो। ओवर ईट ना करें, अपनी बॉडी की सुन के खाएं। अगर आपको दो की भूख है तो दो ही खाएं, तीन नहीं खाएं। एंड ऑल्सो आपको डिनर के बाद दूध पीना है तो आप अपने आप को ये समझा सकते हो कि डिनर थोड़ा कम खाके आप थोड़ी देर बाद दूध पी लोगे। ऐसा मैं अपने साथ करती हूँ कि मैं जनरली डिनर में एक रोटी खाती हूँ एंड दो मुझे लगता है कि मैं और खा सकती हूँ, बट फिर मैं सोचती हूँ ठीक है थोड़ी देर बाद दूध पी लूंगी एंड उससे मेरा स्टमक फेल हो जाएगा। क्योंकि हम वेट लॉस करना चाहते हैं, हमको थोड़ा सा एपेटाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप डिनर सोने से 2 घंटे पहले एटलीस्ट करें एंड कोशिश करें कि डिनर के बाद एटलीस्ट 1000 steps ले सोने से पहले, सो दैट आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। मोरओवर सोने से पहले आपको लेना है एक कप मिल्क, जिसमें आपको ऐड करना है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो नॉर्मली हम कुकिंग में यूज करते हैं वही टर्मरिक आपको सिर्फ एक पिंच अपने एक कप ऑफ मिल्क में ऐड करनी है एंड वो पी लेनी है सोने के आधा घंटा पहले। दैट इज इट गाइस, ये था एक कंप्लीट डाइट प्लान जो आप फॉलो कर सकते हो। आई होप ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आप सोच रहे हो कि इसमें कुकिंग है तो डेफिनेटली इसमें कुकिंग है एंड जब तक आप कुकिंग नहीं करोगे तब तक आप हेल्दी फिट एंड पतले नहीं हो सकते, क्योंकि एप्स आर मेड इन किचन एंड बिना कुकिंग के एप्स नहीं आ सकते। आई होप यू विल फॉलो दिस डाइट एंड यू विल लूज वेट। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय।